माफ कर दीजिए मुझे, दया कीजिए। तुम्हें तो हम सूली पर चढ़ाएंगे, तुम्हारी करने की सजा तुमको मिलनी चाहिए। तुम लोग हमें बहन से बात करनी है, रुको। बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? और तुम्हारे साथ ठाकुर साहब भी तो थे ना? ठाकुर साहब? हाँ, वो कहाँ छुपे हैं? बताओ। गलती से भी पकड़े गए तो भूल से भी हमारा नाम मत लेना वरना। जी जी जी। नहीं, ठाकुर साहब का इसमें कोई हाथ नहीं है। ठाकुर साहब को कुछ नहीं पता। छोटे ठाकुर आप पीछे हट जाओ, इस अच्छा सस्ता छाम उगलवाएंगे। रुकिए रे, रुको, छोड़ दो इन्हें। छोटे ठाकुर आप हट जाइए, पीछे। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। और सरपंच साहब, आप तो कानून से भली भांति परिचित हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हवलदार खोलो उनको। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, चलिए यहां से। पवित्रा, नैना जी ने कहा है कि तुम उनसे मंदिर के पीछे आके मिलना। तुमने बोला पवित्रा को? हाँ, मैंने उसे बता दिया था, वो आ जाएगी। सुनिए, बोलो, कुछ पूछना था? हाँ, जवाब जानना था। जवाब देना मुश्किल लग रहा है तो सवाल आसान कर दें। सच कहें तो ये सोच के ही दिल घबरा जाता है कि आप कल वापस चली जाएंगी, इसलिए हम सवाल ही बदल देते हैं, सीधे से पूछेंगे, शादी करेंगी हमसे? तो एक बात तो तय है, अब आप यहां से हमारे गांव से कृष्णा की दुल्हन बन के ही जाएंगी, पर एक शर्त पर। का? कि तुम अब से मुझे आप नहीं बोलोगे। वो तो हम अब मैं बात नहीं करती। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा, हम आपको आप नहीं कहेंगे। सिर्फ 4 घंटे हैं आप तुम्हारे पास, यहां से कुछ दूरी पर शिव मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है, हम बबलू से कहकर शादी का जोड़ा भिजवा देंगे। मैंने अपनी लाइफ में ना तो कोई डिसीजन इतने जल्दी लिया है और ना ही लूंगी। परमिशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है चाची से, चुपचाप चली आना। देखो, वो मैं जब से कुछ नहीं छुपाती हूँ, पर मैं जानती हूँ वो जरूर मेरे साथ शिव मंदिर आएंगी। इसका
इसका मतलब तुम 4 घंटे में शिव मंदिर पहुंच रही हो। और सुनो, समय से आ जाना, ज्यादा इंतजार मत कराना, वरना सन्यासी हो जाएंगे कसम से। माई, तू ही क्या करी? माई रुक जा, माई, 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 माई ऐसा मत कर माई। अगर तू लड़की से मिली ना तो हम अपनी जान ले लेंगे बड़की। नहीं माई, माई ऐसा मत बोल माई। माई अपनी बात समझने की कोशिश कर। ओके, जाने से पहले बस एक बार मिलना चाहते हैं। तोरी अकल पर पत्थर पड़े हैं का? समझ का ही नहीं रही है तू हमारी बात? तो मिली ना तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा तोरे साथ। नियति की यही मर्जी है बड़की कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे से अलग रहो, वरना वरना बहुत ही बुरा होगा बड़की, बहुत बुरा हो जाएगा। 10 बरस तक तू की प्रथा से बची रही, क्योंकि गंगा मैया का आशीर्वाद था तोरे सर पर। परी नैना के आते ही प्रथा के लिए चुन ले गई तू, और तुम दोनों के मिलते ही चाची की आंखों में मिर्ची पड़ गई थी, और अमरी चुटकी वो काई में गिर गई। और आखिर में क्या हुआ बोलना, आखिर में क्या हुआ? बड़की, तुम दोनों के मिलने का मतलब है कि तबाही तबाही मच जाएगी। अगर नियति की ही मनसा है तो हम नियति से भी लड़ जाएंगे। भगवान भी देख ले, हम तू ही बहन के रिश्ते में ज्यादा सकती है या नियति में? अपनी बहन के साथ रहने के लिए हम किस्मत में लिखे हुए को भी चुनौती देंगे। यमराज से भी लड़ जाएंगे हम। तूने कठान ली है कि हमारी बात ना मानेगी तू? दीदी ने अपने आप अपनी खुशी से ज्यादा तोरी ममता को मोल दिया। माई, हाथ जोड़ते तो अपनी जिद से ज्यादा उनकी खुशी नाजी हमारी खुशी को मोल दे दे। बस एक बार मिल लेने दे, एक बार। कसम खाती उनके बाद उनको कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। बस एक बार मिल लेने देना माई। अरे बबलू, इसमें परेशान होने वाली कोनो बात नहीं है। फोन चार्ज नहीं किया होगा नैना ने, इसलिए बंद आ रहा है। अरे अच्छे से समझ चुके हैं हम उसे, ऐसी ही है वो, तो चिंता मत कर, वो खुद से कॉल करेगी। बेटा सिंदूर। जी। घोर अपशकुन है ये। आज अपशकुन नहीं हो सकता। जीवन में पहली बार किसी लड़की से प्यार किया और उसी से ब्याह करने जा रहे हैं। ये मेरे पति हैं और इनके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। दीदी आप जानती हो नहीं कितना घिनौना आदमी है। बकवास बंद करो अपनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको चोट पहुंचाने की? माफी मांगो। पैर छोड़ ठाकुर साहब के,